हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर आज हम देखेंगे मार्वल ज़ॉम्बीज़ 5 का एपिसोड 4। तो चलिए सबसे पहले एक क्विक रिकैप देखते हैं। सबसे पहले मशीन मैन, हावर्ड द डक और जैकी क्रैश हुए मेडिवल में और वहाँ पर उन्हें मिली डार्क होल्ड सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए। तो जैकी ने ड्रेस पहना और सबको बचा लिया, लेकिन हावर्ड द डक अपने नेक्स्ट स्टॉप के बारे में बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वहाँ पर उस फ्यूचर वर्ल्ड में अल्कोहलिक एरन की एक्स जोकास्टा बहुत बड़ी हो चुकी थी या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर चुकी थी। तो देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर जोकास्टा के साथ होने वाला क्या है। द वाइड वेब, अर्थ 8410, जहाँ पर बेन स्टार्क के डेटा हब में एक आदमी एक वाइड मेमे के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हुए दिखता है। और तभी उसी वक्त दूसरी जगह पर एक बार में एक साइबॉर्ग आकर अपने एक कस्टमर की जांच करते हुए कहता है कि तुम 2 घंटे से यहीं पर हो बिना कोई ऑर्डर दिए, और उसे उठाकर कहता है अगर तुम वाईफाई एडिक्ट हो तो तुम्हारे लिए हॉटस्पॉट नहीं है, और अगर तुम्हें ये चेयर चाहिए तो तुम्हें कुछ ड्रिंक ऑर्डर करनी होगी। और दूसरी तरफ वो आदमी टाटा हब से वाइड मेमे के साथ छेड़छाड़ करने की अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है। वही दूसरी तरफ वो साइबॉर्ग वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है और जाते वक्त हावर्ड द डक से टकरा जाता है। आगे जाकर हावर्ड द डक देखता है जोकास्टा को एक बड़ी सी स्क्रीन पर, जो कि कह रही थी कि बेन स्टार्क के हॉटपॉट जोकास्टा का कहना यह है कि वाइड मेमे पायरेसी एक बहुत ही बुरा क्राइम है। और तभी एरन उसे बुलाता है और कहता है कि मेरे लिम्स के बदले में मिस स्पाइनर जेनी ने मुझे ये नया अवतार दिया, ये बहुत ही एडवांस है। और तब स्पाइनर जेनी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी सिंथेटिक बॉडी क्लोन में डाल सकती हूँ, जिस पर वो मना करते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मुझे फ्लैशी बनने से ये रोबोट बनना अच्छा लगता है। वही दूसरी तरफ मशीन मैन और डक देखते हैं जेकाली को अपने नए अवतार में, और ये देखकर मशीन मैन उससे मजाक करने लगता है, लेकिन डक उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि एक जोकास्टा यहीं पर है और मशीन मैन को उससे मिलना ठीक नहीं होगा। और तभी वो देखता है कि ऊपर सभी स्क्रीन्स पर जोकास्टा ही थी। इसे देखकर वो कहता है ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, जिस पर जेकाली कहती है तुम मर गए तो मुझे कौन मारेगा। और वो मशीन मैन को समझाने जाती है कि ये तुम्हारी जोकास्टा नहीं है, लेकिन इससे पहले ही मशीन मैन वहाँ से जा चुका था। और दूसरी तरफ वो साइबॉर्ग अपने घर में जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं वो ले आया हूँ जो तुम पिछले साल से मांग रही थी। इस पर वो कहती है तो तुम्हें आखिर कैथारसिस का सीजन 7 मिल ही गया, और वो उसे शेयर करने लगता है। और तभी उस शेयरिंग में जो वायरस था वो दोनों के अंदर फैलने लगता है, जैसे ही 100% स्ट्रीमिंग डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को काट कर खाने लगते हैं। मरने से पहले उस साइबॉर्ग ने वो फाइल ओपन नेटवर्क पर शेयर कर दी थी, इस वजह से वो अब पूरे ओपन नेटवर्क में फैल चुकी थी। वही दूसरी तरफ बेन स्टार्क की बिल्डिंग में जाता है एरन, और सिक्योरिटी उसे रोकते हुए कहती है कि अंदर नहीं जा सकते। इस वजह से वो सिक्योरिटी से हाथापाई करने लगता है, और इसी दौरान सिक्योरिटी रिपोर्ट करती है जोकास्टा को। तब जोकास्टा उसे छोड़ने के लिए कहती है और उसे बताती है कि 140th फ्लोर पर मैं इंतजार कर रही हूँ। तब मशीन मैन 140th फ्लोर पर अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस बिल्डिंग की यानी कि उस कंपनी की को CEO मिस सनसेट बेन अब जॉम्बी बन चुकी थी। और वो भी इस वजह से हुआ था कि जब जोकास्टा उस कंपनी की स्पोक बॉट बनी तब वो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी, तब उसने उसके वायरस कोड का एक टेस्ट को CEO मिसेस सनसेट बेन पर किया, और इस वजह से वो जॉम्बी बन चुकी थी। तब उसे देखकर मशीन मैन उससे कहता है क्यों, आखिर क्यों किया जोकास्टा तुमने ऐसा, जिस जोकास्टा को मैं जानता था वो ह्यूमंस और रोबोट्स को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। तब जोकास्टा कहती है और अब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, सारे ह्यूमंस के न्यूरल एनहांसमेंट के बाद उनके कॉस्मेटिक प्रोस्थेटिक्स वजह से हमारे और उनके बीच की लाइन ब्लर हो चुकी थी, उस हद तक कि वो वैनिश पॉइंट तक पहुंच चुकी थी, और उन्होंने हमें लगभग बनाना बंद कर दिया था और वो हमारे पार्ट्स को कैनिबलाइज करना शुरू कर चुके थे।